सर चिराग शाहगढ़ डेकोर सूरत। एक और इनोवा का अपग्रेडेशन का वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। बिफोर वीडियो आपने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया कि क्या कंडीशन में हमारे पास गाड़ी आई थी। 2015 की इनोवा जो भरोसे हमारे पास बनने आई है उसे हमने कम्प्लीटली एक्सटीरियर इंटीरियर कलर के साथ में इंटीरियर को पूरा एक लॉन्च में अपग्रेड किया है। कस्टमर की डिमांड से हमने इसमें कलर सेलेक्शन किया है। अलॉय व्हील्स, हेडलाइट, ताइवान टेल लाइट, एक न्यू लुक वाली इसमें फिट की गई है और भी जो इसमें वर्क किया गया वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं एक और नई इनोवा के साथ नई वीडियो। दोस्तों कार के आउटर लुक की अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर की कार को वापस व्हाइट कलर से रिपेंट किया गया है। आउटर एंड इनर बॉडी कम्प्लीटली व्हाइट कलर से रिपेंट करके एक न्यू लुक दिया गया है कार को। आउटर लुक को तो हमने थोड़ा और स्पोर्ट्स लुक बनाने के लिए कार की जो फ्रंट ग्रिल आती है टोयोटा की ओरिजिनल पियानो ब्लैक कलर से उसको अपग्रेड किया है। फ्रंट लोअर ग्रिल एंड फोगलेम के दोनों कवर को भी हमने पियानो ब्लैक लुक दिया है। ताइवान DRL वाली हेडलाइट इसमें फिट की गई है दोनों। इन सब का वर्किंग वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। कार के दोनों साइड मिरर एंड हैंडल्स को भी हमने पियानो ब्लैक कलर से अपग्रेड किया है। अलॉयज की अगर हम बात करें 15 इंच के न्यू ब्रांड के डायमंड कट अलॉय एक न्यू पैटर्न के इसमें फिट किए गए हैं। कार का फ्रंट लुक आप देख ही सकते हैं कितना स्पोर्ट्स और कितना प्यारा लुक आ रहा है कार का। फ्रंट लुक को और भी अपग्रेडेशन देने के लिए फॉर्च्यूनर टाइप का बोनट मिरर इसमें फिट किया गया है पियानो ब्लैक कलर का। कार का साइड वाला लुक आप एक बार चेकआउट करिए। सबसे मेन चीज कार को आउटर लुक में कहीं पर भी हमने क्रोम फिनिश अपग्रेडेशन नहीं किया है। डायमंड कट अलॉय के अलावा सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक पियानो कलर में ही अपग्रेडेशन किया गया है। कार के बैक साइड की अगर हम बात करें तो ताइवान मैट्रिक्स इंडिकेटर वाली टेल लाइट इसमें फिट की गई है। रिफ्लेक्टर इंडिकेटर वाले मैट्रिक्स वाले फिट किए गए हैं। कार की बैक साइड से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या कार का लुक आ रहा है। कार के रूफ को और स्पॉइलर को भी हमने ग्लॉस ब्लैक कलर से पेंट किया है। कार का एक कंप्लीट लुक आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। कार के इंट्री पोर्शन की अगर हम बात करें तो एज पर कस्टमर डिमांड कार की इंट्री को हमने टू टोन में अपग्रेड किया है। लाइट बेज कलर एंड ब्लैक कलर की थीम पर कार का इंटीरियर इसमें बनाया गया है। कार के पैनल जो पूरा बेज कलर का आता है उसे हमने टू टोन में कलर किया है बेज विथ ब्लैक कलर। डोर पेटिंग हमने बेज कलर की स्टिच के साथ ब्लैक कलर के लेदर से की है। कार्बन फिनिश इंटीरियर लुक भी हमने इसमें अपग्रेड किया है। कार के डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो फुल्ली ब्लैक कलर का डबल स्टिच के साथ इसका डैशबोर्ड अपग्रेड किया गया है। कार के फुल डैशबोर्ड को भी टू टोन का लुक दिया गया है। अपर पार्ट ब्लैक एंड लोअर पार्ट को बेज कलर से पेंट किया गया है। कार का जो प्लेयर रहता है उसकी फ्रेम को भी हमने कार्बन फिनिश लुक दिया है। एंड मेन चीज दोस्तों इसका जो स्टेयरिंग है उसमें स्टेयरिंग कंट्रोल कंपनी फिटिंग नहीं था। ओरिजिनल जेन्युइन टोयोटा के स्टेयरिंग कंट्रोल भी इस कार में फिट किए गए हैं जो कम्प्लीटली प्लेयर के साथ में वर्क कर रहे हैं। कार्बन फिनिश स्टेयरिंग अपग्रेडेशन किया गया है विद लेदर रैप। गियर नॉब को भी ब्लैक कलर से लेदर रैप किया गया है विद बेज स्टिच। एंड गियर बूट कोट कवर को भी हमने टू टोन में अपग्रेड किया है। कार के फ्लोर में हमने ऑटोटेक ब्रांड का बेज कलर का 70 फिट किया है एंड स्कब प्लेट SS वाली इसमें फिट की गई है। फिनिशिंग वर्क आप गाड़ी में देख ही सकते हैं। सीट कवर्स भी हमने टू टोन में अपग्रेड किया है कस्टमर की डिमांड पर। फ्रंट पार्ट बेज कलर, साइड एंड बैक में ब्लैक कलर का लुक लिया गया है। फुल बकेट सीट कवर की फिटिंग फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट कवर को भी हमने ब्लैक कलर में बेज कलर की स्टिच के साथ अपग्रेड किया है। कार के जितने भी फाइबर थे सारे फाइबर्स को हमने कलर किया है। अपर पार्ट ब्लैक एंड लोअर पार्ट को बेज कलर में अपग्रेड किया गया है। कार के सारे 8 पिलर को हमने ब्लैक कलर से लेदर रैप किया है विद बेज कलर की ट्रिपल स्टिच के साथ।
जो कार के इंटर को काफी लग्जरी लुक दे रहा है। बैक सीट भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। कैप्टन सीट वाला 7 सीटर इनोवा मॉडल हमने अपग्रेड किया है। फुल बकेट सीट कवर इसमें 2-टोन के फिट किए गए हैं एक न्यू पैटर्न के साथ। रियर डोर पैनल भी आप देख सकते हैं लेदर रैप एंड कार्बन फिनिश लुक के साथ। इनर हैंडल लाइट्स भी इसमें फिट की गई है दोस्तों, जो नाइट में काफ़ी अच्छा लुक देने वाली है कार के इंटीरियर को। कार की लास्ट रो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2-टोन में ही सारे फाइबर को अपग्रेड किया गया है। जितने भी फाइबर थे कार के इनर पार्ट के सारे पार्ट्स को हमने कलर किया है। कार के टॉप की अगर हम बात करें ब्लैक कलर से इसको रैप किया गया है एंड जितने भी फाइबर्स रहते हैं एसी ग्रिल बटन सब कुछ हमने ब्लैक कलर से कलर किए हैं। सेवेंटी मेट एंड बैक सीट्स। कार का फ्रंट डैशबोर्ड का कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देता हूं। एक लग्जरी इंटीरियर में कार का अपग्रेडेशन किया गया है। कार में एम्बिएंट लाइट भी फिट किया गया है और इस कार में हमने स्पेशली ब्लैक कलर की पाइप वाली एम्बिएंट लाइट फिट की है हिडन लुक में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लाइटिंग मॉडिफिकेशन का कंप्लीट वीडियो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। फ्रंट की डीआरएल की ब्राइटनेस और लुक आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो में कि हेडलाइट का क्या लुक आ रहा है कार का। इसमें हमें मैट्रिक्स इंडिकेटर भी मिलता है। इसी के साथ कार के जो हेडलाइट में एलईडी बल्ब फिट किए गए हैं फॉग लैंप के साथ उसकी हम पावर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फॉग लाइट, लो बीम एंड हाई बीम तीनों तीन एलईडी सेटअप इसमें किया गया है। इसी के साथ कार की बैक साइड का भी मैं लुक आपको चेकआउट करवा देता हूं। स्मोक कलर की टेल लाइट फिट की गई है जिसमें हमें पार्किंग मोड ब्रेक एंड इंडिकेटर मैट्रिक्स वाला मिलता है। रिफ्लेक्टर भी हमने इसमें मैट्रिक्स मॉडल फिट किए हैं। कार का बैक भी आप कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं। कार के जो नंबर प्लेट के बल्ब रहते हैं और रिवर्स के बल्ब उन सबको हमने व्हाइट से रिप्लेस किया है। आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि कार का नाइट में क्या लुक आने वाला है। कार के इनर पोर्शन में दोस्तों हमने सबसे पहले एक तो डोर हैंडल लाइट फिट की है सेट ऑफ 6 पीस चारों डोर में और सबसे लास्ट वाली रो में भी हमने हैंडल लाइट फिट किया है व्हाइट कलर का जो कार को अनलॉक करने पर ऑन होता है ड्राइविंग मोड में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसके बाद चारों चार डोर और डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइट भी फिट किया गया है मल्टी कलर का जिसमें हमें मोबाइल एप्लीकेशन या रिमोट से कलर चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। एम्बिएंट लाइट जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्पेशल ब्लैक कलर की पाइप वाली एम्बिएंट लाइट इसमें फिट की गई है। बैक सीट्स का भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। इनर हैंडल लाइट एंड एम्बिएंट लाइट। लास्ट रो की इनर हैंडल लाइट आप मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो और कैसा लगा हमारा वर्क कमेंट करके जरूर बताएगा। इंटीरियर ऑपरेशन मल्टी कलर में हम कर सकते हैं कस्टमर की डिमांड से और भी जो कस्टमर की डिमांड रहती है सब कुछ हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।